आराम के दायरे से निकलें तो दुनिया सुंदर लगेगी। आपने यह जरूर सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यह पुरानी बात वाकई काफ़ी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इससे यह समझ में आता है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है, यानी हमेशा युवा रहने के लिए आपके मन का कार्य करने में सक्षम और खुला होना ज़्यादा आवश्यक है। ऊर्जा से भरा हुआ मन हमेशा आपको युवा रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम नहीं करने से हमारे शरीर पर बुरा असर होता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम नहीं करें तो हमारे मस्तिष्क की संप्रेषण क्षमता कमज़ोर होने लगती है, फिर प्रतिक्रिया देने की हमारी शक्ति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए मस्तिष्क को भी व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम किया ही जाना चाहिए। किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा ही दुविधा होती है, जिसकी वजह से ही तनाव होता है। कुछ लोगों को हमेशा वही करना अच्छा लगता है जो वे आज तक करते आए हैं। वे कुछ नया सीखने में समय और मन नहीं लगाते। समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो नया सोचने के बजाय उसी चीज़ को दोहराना पसंद करता है जो वो हमेशा से करता आया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वो काम अच्छा भी होता है और सहज भी, जिसके कई सारे फायदे भी हैं। इसलिए लोग अपनी दिनचर्या से चिपके रहते हैं। यह श्रृंखला अगर तोड़नी है तो दिमाग को नई नई जानकारी देना ज़रूरी होता है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो वह नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसलिए हमेशा नई बातें करना महत्वपूर्ण होता है। भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, फिर भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना ज़रूरी होता है। मानसिक प्रशिक्षण का फायदा अलग अलग स्तरों पर होता है। जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो कठिन लगता है, उसे पूरा करने में आपको ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। आपको लगता है यह काम तो काफ़ी आसान है। असल में काम वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आगे काम आता है। इस वक्त काम करने का जोश और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसका परिणाम यही होता है कि वह काम करते वक्त उस इंसान को अपनी छवि में उन्नत होती है। बचपना बचाए रखें। मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है कि अपने भीतर हमेशा बचपना बचाए रखें। कोई खेल खेलने या गपशप करने से भी मन में एक नई ऊर्जा आती है। इससे अकेलापन और निराशा भी खत्म होती है। इसी के साथ इस कार्य से हमें सकारात्मक नज़रिया मिलता है और नया विचार उत्पन्न होता है। धन्यवाद।